दोस्तों आज भारत की आबादी 141 करोड़ इंसानों की है और पूरी दुनिया की बात की जाए तो करीब 795 करोड़ इंसान पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं। ऐसे में पृथ्वी पर वन्य जीवों के लिए स्थान बहुत ही कम बचे हैं। बढ़ती मानव आबादी की बढ़ती जरूरतों ने अनेकों जीवों को धरती से विलुप्त कर दिया है। दुनिया भर में पिछले कुछ सैकड़ों हजारों या लाखों सालों में अनेकों ऐसे जीव विलुप्त हुए हैं जिनकी विलुप्ति का श्रेय इंसानों के बढ़ते अतिक्रमण को ही दिया जाता है। परंतु आज के वीडियो में हम दुनिया की नहीं केवल भारत की ही बात करेंगे और कुछ ऐसे भारतीय जीवों के बारे में जानेंगे जो जीव अपने समय में बेहद ही महत्वपूर्ण थे परंतु आज उनका समूल विनाश हो चुका है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल से जरूर जुड़े रहें। बारबरी लायन। अब दुनिया भर में एक मान्यता फैली हुई है कि शेर जंगल का राजा है, परंतु शायद आपको ना पता हो कि जिस शेर को जंगल का राजा कहा जाता था वो शेर तो कब का भारत और दुनिया से विलुप्त हो चुका है। बारबरी लायन एक अद्भुत शेर था जिसकी गर्दन से लेकर छाती और पेट तक पर आयाल फैली हुई होती थी, जिस वजह से शेर बड़ा ही खूबसूरत दिखाई पड़ता था। वर्तमान में कुछ बारबरी शेर चिड़ियाघर आदि में दिखाई दे जाते हैं परंतु जंगल से विलुप्त हो चुके हैं। वैसे चिड़ियाघर के बारबरी शेर शुद्ध बारबरी शेर नहीं माने जाते बल्कि इन्हें बारबरी शेर और अफ्रीकन शेरों की मिलीजुली प्रजाति के तौर पर पहचाना जाता है। अंतिम बारबरी शेर को उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को देश में वर्ष 1942 को देखा गया था। पहले यह माना जाता था कि यह शेर केवल उत्तरी अफ्रीका के ही निवासी रहे हैं, परंतु एक लंबे अध्ययन के दौरान ये ज्ञात हुआ कि भारत में भी बड़ी संख्या में बारबरी शेर पाए जाते थे। ये शेर न सिर्फ राजस्थान और गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक में फैले हुए थे बल्कि भारत में बारबरी शेरों के निवास के सबूत उत्तराखंड एवं हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में भी खोजे गए हैं। माना जाता है कि बारबरी शेर 12वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान ही भारत से विलुप्त हो गए थे। असल में बारबरी शेर बड़े पैमाने पर इंसानों का शिकार करने लगे थे, जिस वजह से इंसानों ने अपने तीर भालों के इस्तेमाल से इन शेरों को समाप्त कर दिया। वैसे अफ्रीका में बारबरी शेरों को 19वीं और 20वीं शताब्दी तक भी देखा जा सकता था, परंतु आज ये शेर पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते। ओराक। दोस्तों भारत में गाय को बेहद ही पवित्र माना जाता है। एक अंदाजे के अनुसार गाय वो पहला जीव है जिसे हमने दूध हेतु पालना शुरू किया था, परंतु वैज्ञानिक तौर पर मिले प्रमाण ये सिद्ध करते हैं कि दुग्ध उत्पादन के लिए असल में हमने गायों को नहीं बल्कि ओराक नामक चौपाया जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया था। वैसे ओराक का वर्तमान गायों के साथ सीधा संबंध है। माना जाता है कि ये ओराक असल में गायों का पूर्वज जानवर रहा है जिसके पालतू बनाने के सबूत सिंधु घाटी की सभ्यताओं में भी मिल जाते हैं। ओराक के सिंह काफ़ी बड़े फैले हुए एवं आगे की ओर झुके हुए होते थे। इस जानवर के अनेकों चित्र हड़प्पा संस्कृति में खोजे जाते रहे हैं। ओराक के अंतिम अवशेष भारत में करीब 3200 वर्ष पुराने हैं। ये जीव अफ्रीका से लेकर यूरोप और पूरे एशिया में फैला हुआ था। ऐसे में इसकी विलुप्ति काफ़ी हैरान करती है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि ओराक के दुधारू होने के कारण इन्हें इंसानों द्वारा पालतू बनाया गया, परंतु इस बेचारे जीव को कभी बेहतर देखभाल नहीं मिल पाई और इंसानों के जुल्मों सितम के कारण ही ये प्राचीन भारतीय गायें विलुप्त हो गई। कुछ जानकार ऐसा भी मानते हैं कि असल में ओराक की उत्पत्ति शीत युग के समय हुई थी और शीत युग बीत जाने पर आए जलवायु बदलाव को ये जीव सहन नहीं पाया। वहीं एक मान्यता ये भी है कि ओराक ने जलवायु परिवर्तनों के हिसाब से खुद में बदलाव किए और वर्तमान भारतीय गाय असल में ओराक का ही बदला हुआ रूप है। चीता। भारत में वर्ष 1930 के बाद से ही चीतों का दिखाई देना दुर्लभ हो चुका था और वर्ष 1952 आते आते चीतों को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। चीतों की विलुप्ति का सीधा कारण भारत में शासन करने वाले राजा महाराजाओं और ब्रिटिश हुकूमत को माना जाता है, जिन्होंने खुद को बहादुर साबित करने के लिए चीतों का बड़े पैमाने पर शिकार किया। हालांकि भारत में वर्ष 1922 से चीतों का पुनर्वास कार्यक्रम शुरू हो चुका है और ऐसा लगता है कि उलटफेरे उन चुनौतियों के बावजूद भी ये कार्यक्रम अब सफलता की राह पर चल पड़ा है। श्योपुर स्थित कुनो नेशनल पार्क में मादा चीता गामनी द्वारा पिछले दिनों 6 शावकों के जन्म दिए जाने के बाद भारत में अब विदेशी से ज्यादा देशी चीतों की संख्या हो गई है। वस्तुतः दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया से लाए गए 20 चीतों में से 7 की मौत हो चुकी है। सबसे पहले साशा नामक चीता की मौत हुई। बताया गया कि साशा अफ्रीका से ही अपने साथ किडनी का इन्फेक्शन लेकर आई थी। उसके बाद 3 नर चीता और 2 मादाओं सहित कई शावक भी अगले कुछ महीनों के दौरान मारे गए, जिस वजह से इन विदेशी चीतों की संख्या अब 13 ही बची है। परंतु अच्छी बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान विदेश से लाई गई मादा चीताओं ने भारत में ही 14 शावकों को जन्म भी दिया है, यानी अब भारत में कुल चीतों की संख्या 27 हो चुकी है और इस कुल संख्या में भारत में जन्मे चीतों की संख्या कहीं अधिक है। भारतीय हिप्पोपोटमस।
चीतों की ही भांति हिप्पोज को भी भारतीय जंगलों में पुनः बसाए जाने की योजना चल रही है। पिछले वर्ष ही 60 हिप्पो भारत में लाए जाने की कवायद शुरू करने हेतु योजना बनाई गई थी। ये हिप्पो ड्रग स्मगलर पाब्लो एस्कोबार के प्राइवेट चिड़ियाघर में रहे हिप्पोज के ही वंशज है। इस कारण से इन्हें कोकीन हिप्पो कहा जाता है। असल में पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया के बेहद अमीर ड्रग डीलर थे, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है। ये दावा किया जाता है कि पाब्लो के पास इतनी दौलत थी कि वो सर्दियों के मौसम में आग तापने के लिए लकड़ियां नहीं बल्कि नोटों की गड्डियां जलाते थे। पाब्लो को जानवरों का बहुत शौक था और उनका अपना व्यक्तिगत चिड़ियाघर भी था। वर्ष 1993 के दौरान पुलिस मुठभेड़ में पाब्लो की मौत हो चुकी है और फिलहाल उनके चिड़ियाघर में मौजूद हिप्पोज को ही भारत में स्थानांतरित करने की योजना है। इस योजना में $35 लाख का खर्च आएगा। वैसे भारत के जंगलों में हिप्पो करीब 9,000 वर्षों पहले ही विलुप्त हो चुके हैं, जिसका कारण बदलती जलवायु और पानी एवं दलदली क्षेत्र पर मानव अतिक्रमण को माना गया है। हालांकि वर्तमान में भारतीय चिड़ियाघरों में अफ्रीकन हिप्पोज को देखा जा सकता है। जाइगेंटोफिथिकस। दोस्तों, माना जाता है कि किसी एक ग्रह पर एक ही प्रजाति का राज कायम रह सकता है। जैसे कि पृथ्वी पर इंसानों का राज चलता है, बाकी सभी जीवों को हमने उनके रहने के ठिकानों से खदेड़ रखा है। इंसान होमिनिन प्रजाति का जीव है। होमिनिन प्राइमेट समूह के अंतर्गत आने वाली एक उपप्रजाति है। यदि हम कल्पना करते हैं कि इस पृथ्वी पर कभी इंसान या होमिनिन प्रजाति का अस्तित्व नहीं होता, तो क्या आप जानते हैं कि कौन सी प्राइमेट प्रजाति आज पृथ्वी पर राज कर रही होती? जरा इस जीव को देखिए, जिसे द जंगल बुक फिल्म में लुई के किरदार में दिखाया गया है। इस जीव का अस्तित्व तो कोई फिल्मी कल्पना नहीं, बल्कि आज से करीब 2 लाख सालों पहले यानी पृथ्वी पर इंसानी राज कायम होने से ठीक पहले इस विशाल महामानव का राज ही पृथ्वी पर चलता था। जाइगेंटोफिथिकस 12 फीट ऊंचा और 500 किलोग्राम तक भारी हो जाने वाला एक विशालकाय महामानव था। यह इतना ताकतवर होता था कि किसी हाथी को भी उठाकर फेंक देता होगा। जाइगेंटोफिथिकस भारत सहित पूरे दक्षिणी पूर्वी एशिया में निवास करता था। हालांकि जाइगेंटोफिथिकस की हड्डियों के समस्त अवशेषों को नहीं ढूंढा जा सका है, इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि यह जीव आकार में हमारे अनुमान से भी अधिक विशाल हो सकता है। एक मान्यता के अनुसार जाइगेंटोफिथिकस शाकाहारी वानर था, जो केवल फल एवं बांस आदि खाकर ही अपना जीवन जीता था। वहीं कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जाइगेंटोफिथिकस के कंकाल जिन गुफाओं में मिलते रहे हैं, उन्हीं गुफाओं में अन्य जानवरों के कंकालों को भी भारी मात्रा में खोजा जा सकता है, जिससे पता चलता है कि यह महामानव गुफा में रहने वाला मांसभक्षी था, जो शिकार करता था और अपने शिकार को गुफा में खींच ले जाता था। हालांकि ये ज्ञात नहीं है कि जाइगेंटोफिथिकस विलुप्त कैसे हुए। शायद अपने भारी आकार के कारण इन वानरों की खुराक काफी ज्यादा रही होगी और शीतयुग के दौरान पड़ने वाली भयंकर ठंड में अपनी खुराक को पूरा ना कर पाने के कारण ही ये वानर मारे गए। वैसे देखा जाए तो जाइगेंटोफिथिकस की विलुप्ति इंसानों के लिए बड़ी ही लाभदायक रही, क्योंकि यदि ये विशाल महामानव पृथ्वी पर आज भी निवास कर रहा होता, तो शायद अतीत में ही हमारी लड़ाई इस महामानव से हो चुकी होती। ऐसे में बहुत अधिक संभावना थी कि अपनी ताकत के दम पर जाइगेंटोफिथिकस इंसानों के अस्तित्व को उखाड़ फेंकता। तो चलिए दोस्तों, इस विशाल महामानव की कल्पनाओं के साथ ही आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन अवश्य दबाएं और इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते हुए चैनल से भी जरूर जुड़े रहें। अपना कीमती समय निकालकर अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।